हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल टू में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी अभी बिल्कुल मैं जस्ट नहा के आई हूँ और ठंड की वजह से ना सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो चलती हूँ, सबसे पहले मैं अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ और उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तो ये रही मेरी दवाई, जिसके बिना ना मैं ठंड में तो रह ही नहीं सकती हूँ। मुझे ये हफ्ते में एक बार तो लेनी ही पड़ती है। तो ये बोल सकते हैं कि ये दवा जो है ना, तो मेरी जान है, यानी कि मेरी जान इस दवा में बसी है। अगर ये दवा मुझे ना मिले तो शायद मैं जी भी ना पाऊँ इतने ईजली। तो यहाँ पे मैंने मेडिसिन ले ली है अपनी और अब इससे कुछ दिन में रिलीफ हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगी और अभी मुझे पूजा भी करनी है। बस अभी नहा के आई हूँ ना, तो पूजा नहीं करी है और सबसे पहले जा रही हूँ गर्म कपड़े पहन लूँ, क्योंकि ये जो ठंड का सीज़न होता है ना, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। मतलब इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सांस की, और इसका कोई इलाज भी नहीं है कि मतलब इलाज हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊँ। इसका कोई इलाज भी नहीं है, डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, सब कुछ है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ये टैबलेट लेते रहो बस जब भी प्रॉब्लम हो। फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है और ना मैंने ठंड भी लग रही थी और आपको तो पता ही कि मैंने मेडिसिन ली है, तो हेयर वगैरह खोल दिए, थोड़ा सा इसको मैं सुखा लेती हूँ और उसे भी सुखाऊंगी बाहर जा करके। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जो ना कि कहते नहीं कि जो जब भगवान जी ने समय लिख रखा है, जब उन्होंने लिखा है वो तभी पूरा होगा। मैं इसके लिए बहुत परेशान थी क्योंकि इसकी मतलब मुझे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने इसको ऐसा कर रखा था, मान रखा था कि मुझे चाहिए ही चाहिए था। लेकिन मुझे समय इस तरह से बीतता गया कि काफ़ी टाइम हो गया और इसी बीच में पापा भी एक्सपायर हो गए, तो उनकी वजह से और ज़्यादा लेट हो गया। लेकिन अब फिलहाल मुझे वो मिल गया है, तो एक मिनट रुके, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है वो चीज़ दिया जलाने का। आप सोचोगे कि ऐसा इसमें क्या खास है, खास कुछ भी नहीं है, बट मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी और ये मुझे बहुत मतलब काफ़ी, ये मान लीजिए बड़ी मिन्नतों के बाद मिला है ये, और इतना बड़ा मुझे ही चाहिए था। और ये इस तरह से देखिए खुल भी जाता है और इसमें ना ये देखो स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, तो ये पूरा खुला हुआ है कि इसके अंदर जब दीपक जलेगा ना तो वो यहाँ से रोशनी आपको दिखाई देगी। और एक लाइन इसमें भी दी हुई है और इसके अंदर देखिए इस तरह का है। फिलहाल मैंने ये ना पहली बार देखा है, क्योंकि क्या बताऊँ, मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो ये मेरे हस्बैंड लेकर के आए हैं और अब इसके अंदर जलाना कैसे है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जरूरत मुझे इसलिए थी ना क्योंकि मैंने एक मन्नत मानी थी भगवान जी से और मैंने कहा था भगवान जी से कि अगर ये मेरा पूरा हो गया ना तो फिर मैं अखंड ज्योत जलाऊंगी और वो भी पूरे 11 दिन की। ऐसा ही बड़ा चाहिए था जिसमें मैं मतलब मेनली रात की प्रॉब्लम थी कि ऐसा ना हो कि मैं तेल डाल के और सो जाऊं और फिर मेरा दीपक रात में बुझ जाए। इस तरह से करके अभी मैं जलाने जा रही हूँ फिलहाल। तो अभी मैं पहले बाती आती डाल लूँ क्योंकि मुझे आती नहीं ना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, डाल लूँगी, उसके बाद मैं आपके सामने इसको जलाती हूँ।
जला लिया है दीपक, ऑलमोस्ट अच्छे से जल गया है, बस अभी जलना चाहिए। और आई होप कि इसकी जो बाती लगाई है ना वो मैंने ठीक ही लगाई होगी। चलिए ये तो मेरा पूजा पाठ का काम हो गया और जो मेरी मन्नत थी वो हो गई पूरी। और अब मैं चल के दिखाती हूँ कि परी विराट कहाँ, इन लोग तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। ये देखिए परी विराट आपको सिर्फ एक जगह मिलेंगे, परी खाना खा रही है और ये चल रहा है टीवी में इनका कौन सा गेम। ये देखिए इस तरह का गेम है ये, उसमें ये उछल उछल के विराटू गन चलाता है ना तो उसको बड़ी मजा आती है। कौन दोनों लोग आउट? मैं तो चली गई, और टीवी अभी आउट। और आप बैठे कहाँ हो? साइड टेबल पे। क्यों इधर बैठो, आगे बैठ पे। पढ़ाई हो गई? पढ़ाई से पहले गेम? वाह कल टेस्ट है और आज गेम खेलो, तैयारी है। चलिए चलते हैं किचन में। और यहाँ पे ना मैंने सब्जी छौंक रखी थी पहले ही, और तो यहाँ पे मैंने सब्जी बना रही हूँ मटर आलू की। और आपको जान के बड़ा वो लगेगा ना, मेरी मिक्सी जो है खराब हो गई है तो यहाँ पे मुझे बिना मसाले वाली सब्जी बनानी पड़ रही है, जो कि बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और मेरी परी को तो पसंद है मटर आलू की सब्जी, मसालेदार रसेदार लग रही है, आप देख सकते हो उस तरह से। लेकिन बच्चे हैं ना वो नुक्स जरूर निकालते हैं, मेनली मेरी परी बहुत नुक्स निकालती है खाने पीने में। और अब मुझे बनानी है रोटी, तो वो मैं अभी नहीं बनाऊंगी, जब मेरे हस्बैंड आएंगे तभी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने गैस कर दी बंद और ढक्कन आधा खोल दिया है, वरना सब्जी जो है ना फिर अच्छी नहीं लगती है, पसीज जाती है। तो अब मैं जाती हूँ पहले कॉम कर लूँ, अपने हेयर सुखा लूँ, क्योंकि इसी की वजह से सर्दी ज़्यादा लग जाती है। यहाँ पे खाना बन के हो गया है रेडी। अब मैंने इस तरह से निकाल दिया है विराट का भी, और ये उनके डैडा का भी मैंने निकाल दिया है, वो क्योंकि आ चुके थे घर पे और अभी ना सब बैठ के खेल रहे हैं फिर से गेम। तो चलती हूँ खाना दे देती हूँ फटाफट से। दीदी डैडा जी भाग गए, तभी तो मैं हुआ था। मैं रुक जाएगा, ये भाग जाएगा, भाग जाएगा डैडा, ये भाग जाएगा। बैठी मैं खाना बना रहा था।